दोस्तों हम कई बार स्मार्टफोन में देखा होगा कि कई स्मार्टफोन में आपको ड्यूल कैमरा स्पॉट मिलते हैं, कई में आपको फ्रंट फेसिंग ड्यूल मिल जाते हैं, साथ ही जो नोकिया का अपकमिंग स्मार्टफोन है उसमें आपको साथ 5 कैमरे का स्पॉट मिलने वाले हैं। आखिर इतने कैमरे काम क्या करते हैं, अगर आपको ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। कई बार स्मार्टफोन देखा होगा आपको बैक पैनल में डबल कैमरे मिल जाते हैं, साथ ही आपको सेल्फी कैमरे भी डबल मिल जाते हैं, और साथ ही जो नोकिया का अपकमिंग स्मार्टफोन है उसमें आपको 5 कैमरे का सपोर्ट मिलने वाला है। आखिर ये इतने कैमरे काम क्या करते हैं, मान लो आपके स्मार्टफोन में डबल कैमरे है तो जो डबल कैमरे है उनमें आपको कई तरह के अलग अलग फंक्शन मिल जाते हैं, जैसे जो एक कैमरा है वो आपको नॉर्मल तस्वीर दिखाएगा, मगर जो दूसरा कैमरा है वो आपको ऑप्टिकल जूम यानी कि आपको ऑप्टिकल जूम का फंक्शन मिल जाता है। आपने जैसे कई DSLR कैमरे देखेंगे, जैसे आप ऑप्टिकल जूम करते हैं जो उसका लेंस है वो फोकस होना शुरू हो जाता है, यानी कि लेंस आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा ही इनमें होता है, इनमें जो स्मार्टफोन होते हैं इनमें ऐसा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसमें 2 कैमरे दिए जाते हैं। एक होता है जो पहले से आगे जूम होता है, यानी कि ये हो गया ऑप्टिकल जूम। ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम 2 अलग अलग होते हैं। डिजिटल जूम जो होते हैं वो कंप्यूटर से प्रोसेस करके दिए जाते हैं, मगर जो ऑप्टिकल जूम है ये आपको सीधे हार्डवेयर के जरिए जूम का ऑप्शन देते हैं, यानी ऑप्टिकल जूम है इसमें आपको ज़्यादा ब्राइट कलर मिलते हैं, साथ ही आपको बेहतर तस्वीर मिलती है। यानी कि डबल कैमरे में कई बार ऐसा होता है कि जो एक कैमरा है वो सीधी नॉर्मल तस्वीर खींचेगा, और जो दूसरा कैमरा है वो आपको ऑप्टिकल जूम की फंक्शन देगा। साथ ही साथ इसमें जो डबल कैमरे इसमें आपको एक दूसरा फंक्शन मिलता है, यानी कि वो है पोर्ट्रेट मोड। आप डबल कैमरे के जरिए पोर्ट्रेट मोड तस्वीर खींच सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड का मतलब है जो आपकी तस्वीर स्क्रीन जो बैकग्राउंड है ये आपको ब्लर मिलेगा, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, सिर्फ आप उसके अंदर हाईलाइट रहेंगे। ये होता है पोर्ट्रेट मोड। और दूसरी बात कहें डबल कैमरे की, तो इसमें आपको जो फेस रिकॉग्नाइजेशन है यानी कि HTC के स्मार्टफोन में जो फेस अनलॉक है वो आपको डबल कैमरे के जरिए बेहतर मिल जाता है। साथ ही आप डबल कैमरे से कई सारे और काम कर सकते हैं, जैसे कि इमेज में आपको ज़्यादा बेहतर कलर देने, स्टेबिलाइजेशन, जो भी आपको पता चल चुका है डबल कैमरे स्मार्टफोन में क्या काम करते हैं और ये क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।